बेटा समझने की कोशिश करो, ये डॉल बहुत खतरनाक है। पापा पापा देखो इतनी सुंदर गुड़िया है, प्लीज हमें ले दो ना। हाँ पापा, वैसे भी गुड़िया खरीदे में कितना टाइम हो गया। अरे नहीं पापा नहीं, गुड़िया गुड़िया के तो नाम से भी डर लगता है मुझे। हाँ? जब पिछली बार गुड़िया घर में आई थी तो याद है ना क्या हुआ था? अब तो मुझे गुड़िया के नाम से बहुत घबराहट होती है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हर गुड़िया में ही भूतिया शक्तियाँ हो। पापा प्लीज हमें ले दो ना। नहीं बाबा नहीं, मैं गुड़िया किसी कीमत पर लेकर नहीं दूंगा। तुम कुछ भी और ले लो लेकिन गुड़िया नहीं। Later. रमीक, आपने प्लम्बर को फोन किया क्या? बाथरूम के टैप में पानी नहीं आ रहा है, लगता है कोई ब्लॉकेज हो गई है। अरे बाबा मुझे पता है, मैंने प्लम्बर जैद को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। लगता है प्लम्बर आ गया। नमस्ते मैम। नमस्ते भैया, आ जाओ आ जाओ भैया, इधर से आ जाओ। अरे आइए आइए भाई साहब, सुबह से परेशान है, ये बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, शायद कोई ब्लॉकेज हो गई होगी, मैं अभी देख लेता हूँ। आप देखिए देखिए। हेलो Later. Wow, दीदी देखो इतनी सुंदर डॉल है। हाँ सुंदर तो बहुत है, और वैसे ही है जैसे हम चाहते थे। अरे बच्चों ये क्या कर रहे हो? अंकल ये डॉल इतनी सुंदर है, आप हमें दे दोगे ये प्लीज? नहीं बेटा ये डॉल मैं तुम्हें नहीं दे सकता। प्लीज अंकल प्लीज प्लीज। बेटा समझने की कोशिश करो, ये डॉल बहुत खतरनाक है, मैं तो इसे फेंकने जा रहा हूँ। क्यों अंकल, इतनी प्यारी तो है, क्यों फेंक रहे हो? हाँ भाई हो गया सब ठीक? हाँ जी, वो थोड़ी ब्लॉकेज थी वो मैंने सही कर दिया है। चलो बढ़िया हो गया, ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ हाँ तुम चलो। इतनी प्यारी डॉल है ना? हाँ लेकिन मम्मा पापा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इस डॉल को अंकल के बैग में से निकाल लिया, वरना हमें बहुत डांट पड़ेगी। तू ठीक कह रही है, हम ये डॉल सबसे छुपा कर रखेंगे। अनन्या शनाया आ जाओ बच्चों। तू जा मैं डॉल को छुपा कर आती हूँ। ठीक है। कहाँ छुपाऊँ इस डॉल को? कुशन जी पीछे छुपा देती हूँ। अनन्या कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूँ तुम्हारी गुड़िया। गुड़िया? अनन्या मुझे फेंकने से कुछ नहीं होगा, अब तुम मेरे कब्जे में हो, तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगी। अनन्या बेटा इतनी देर क्यों करती आने में, कहाँ रह गई थी? खाने में क्या बना है? मूंग दाल बेटा। मुझे मूंग दाल नहीं खानी, कुछ जगह बनाओ। Later. शाबाश,
तुमने जो डाइनिंग टेबल पे किया इसकी मैं खुश हुई। अब जाओ शिनाया का जाके होमवर्क पार दो। जाओ Later. किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। अरे अनान्या, अनान्या बेटा, अनान्या बेटा शांत हो जाओ बेटा। अनान्या, अरे ये क्या हो रहा है? लगता है हमारे घर में फिर से कोई भूतिया शक्ति आ गई है। मगर हम तो कोई नई चीज लेकर ही नहीं आए इस घर। ये जरूर किसी भूतिया शक्ति का प्रकोप है। कोई नई चीज, कोई ना कोई इस घर में नई चीज जरूर आई है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं अनाना बेटा, मेरी बड़ी बात तो सुनना बेटा, मेरी बात सुन। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी, बस एक की बात सुनूंगी। किसकी? अरे डॉल की। क्या डॉल? कौन सी डॉल? कौन सी डॉल शिनाया? पापा उस दिन वो प्लम्बर अंकल आए थे ना, तो उनके बैग में बहुत सुंदर डॉल थी, तो हमने वो निकाल ली थी। और ये डॉल कहाँ से आ गई? तुम अभी जाओ वो डॉल लेकर आओ। कौन सी डॉल है वो? वो डॉल कोई नहीं लेगा, वो डॉल सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरे पास रहेगी। रमनीक, रमनीक आप जल्दी से जैद को कॉल करो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। गेस द परांठा चैलेंज लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS 1313 फूडी पे। ये तो मोस्ट यम्मी वाला चैलेंज हो गया। वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है। क्लिक।